बहरहाल यादों का यह सिलसिला हफ्तों से महीनों में बदल गया। अब टंटे को जेल में थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था। वो अपनी बैरक के कोने में बैठकर गहरी सोच में डूबा था। शायद वो अपने पिछले दिनों को याद कर रहा हो। तभी एक हवलदार ने अपने डंडे से सलाको को ठोका और बोला, इकड़े टंटिया कुणा है? मैं हूँ, क्या हुआ? टंटिया ने जवाब दिया। हवलदार ने टंटिया की तरफ देखा और कहा, चलो जेलर साहब ने तुम्हें बुलाया है। हवलदार टंटिया को बेड़ियों में बांधकर जेलर साहब के दफ्तर की ओर ले गया। दफ्तर में पहुंचकर टंटिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने वाली दीवार पर बड़ी सी घड़ी जिस पर रोमन लिपि में नंबर्स लिखे थे। दाईं तरफ वाली दीवार पर दो फोटोज लगी थी। पहली बड़ी फोटो में महारानी विक्टोरिया शान से बैठी थी और दूसरी फोटो थोड़ी नीचे लगी थी जिस पर लिखा था द लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। टंटिया ने सामने नजर घुमाई तो एक गोरे साहब आज सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। उनकी टेबल पर कॉफी का कप रखा हुआ था जिसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। कप के पास ही ब्रिटिश इंडिया का छोटा सा झंडा रखा हुआ था। हवलदार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, माय लॉर्ड टंटिया आ गया। साहब ने ऊपर नजर उठाई और बोले, टंटिया आज तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, आज से तुम आजाद हो। आशा है आज से तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। रामलाल टंटिया को उनका सामान दे दो, साहब ने हवलदार से कहा। हवलदार ने तत्काल लॉकर से एक पोटली निकाली जिसमें से एक कुर्ता धोती और साफा निकालकर टेबल पर रखा। साथ ही जेलर साहब ने टंटिया को साल भर जेल में मजदूरी का पैसा 126 आने एक मुश्त दिया जो लगभग 9 रुपए थे। उस समय एक आम भारतीय की आय 1392 आने यानी लगभग 87 रुपए सालाना थी, लेकिन जेल में मजदूरी के लिए कम पैसा दिया जाता था। नागपुर सेंट्रल जेल से छूटने के बाद टंटिया वापस अपने गांव पोखर पहुंचा और अपनी पत्नी भीकी वो बेटे कृष्णा के साथ रहने लगा। वो नौगजा बाबा की दरगाह पर गया और धन्यवाद स्वरूप चादर चढ़ाई। बाबा के सामने टंटिया ने गुहार लगाई, हे नौगजा बाबा, मेरे दाजी की जमीन मुझे वापस मिल जाए। ऐसी मन्नत मांग कर वो फिर से शिब्बा पाटिल के पास पहुंचा। पाटिल ने इस बार टंटिया से अच्छे से बात की और कहा, ठीक है, अगर तू तेरी जमीन वापस चाहता है तो मेरा कर्जा लौटा दे। जब तक मेरा कर्जा नहीं चुकता तुझे और तेरी पत्नी भीकी को मेरे यहाँ बंधुआ बनकर रहना पड़ेगा। 19वीं सदी में बंधुआ मजदूरी का बड़ा चलन था। बंधुआ मजदूर को साल भर मालिक के यहाँ मजदूरी करना पड़ता था। बदले में उसे घर का बचा कुचा खाना, पुराने कपड़े और बहुत कम पैसे दिए जाते थे। इसके बावजूद भी बंधुआ मजदूर के साथ मालिक का गाली गलौज और मारपीट करना एक आम बात थी। आज भारत की आजादी के 73 साल बीत चुके हैं, लेकिन निमाड़ में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बंधुआ मजदूर देखने को मिल जाते हैं जिसे वर्सुदिया कहा जाता है। खैर हमारी कहानी पर वापस आते हैं। इस बार टंटिया और भिक्की ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं काटी। दिन रात एक करके कमर तोड़ मेहनत करने के बाद खेत में मक्का की फसल लहलहाने लगी। टंटिया घंटों तक खेत में बैठा अपनी फसल को निहारते रहता और सोचता, इस बार तो फसल बढ़िया हुई है। शिब्बा पाटिल को पूरा कर्जा चुकता कर दूंगा और अगले बरस की पूरी फसल हमारी होगी। फसल कटाई हुई और नौगजा बाबा की मेहर से भरपूर अनाज की पैदावार हुई। टंटिया खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दौड़ता हुआ मालिक के घर पहुंचा और मालिक को बुलाकर खेत पर ले गया। मालिक ने मुंशी को बुलाकर हिसाब करवाया और टंटिया ने शिब्बा पाटिल का 3 पीढ़ी से चला आ रहा पूरा कर्जा चुकता कर दिया। दादा के जमाने से चला आ रहा कर्जा आज चुकता हो गया। टंटिया को तो मानो पार लग गए हो, वो अपनी मर्जी का मालिक बन गया। अब उसे कहीं भी जाने के लिए मालिक की इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी। वो शाम को खुशी से झूमता हुआ अपने घर पहुंचा और उसके हाथ की पोटली को छुपाते हुए भिक्की से बोला, अरे ओ कृष्णा की माई, इधर आ, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। इतना कहते ही टंटिया ने अपने गमछे में बंधी पोटली सामने रख दी। भिक्की ने जब पोटली खोली तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह बोली, आज तो हमारे घर त्योहार बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि पोटली में क्या था। दरअसल पोटली में 1 किलो गेहूं था। आज तक टंटिया ज्वार और बाजरे की रबड़ी पीकर काम पर जाता था। उस जमाने में गेहूं की रोटी केवल अमीर लोग ही खा पाते थे। गरीब कभी कभार साल भर में एक बार त्योहार पर गेहूं की रोटी खा ले तो ये बहुत बड़ी बात थी। अक्सर गाँव के आम लोग ज्वार, मक्का और बाजरे को चक्की में पीस कर उसकी रबड़ी बनाकर पी लिया करते थे, और अगर ज्यादा ही स्वाद चाहिए तो उसमें नमक मिर्च, बस यही था गरीबों का भोजन। भीकी ने गेहूं घट्टी में पीस कर आटा बनाया। घट्टी मतलब पत्थर की चक्की।
टंटिया और उसके परिवार ने जीवन में आज पहली बार गेहूं की रोटी खाई थी। उसे लगने लगा कि अब वो एक सामान्य जीवन गुजार रहा है। उसे वो सब कुछ मिल गया जिसकी उसने इच्छा की थी, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसका संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। टंटिया अपने घर के बाहरी होटले पर बैठा था, तभी दूर से दौड़ता हुआ कोई उसकी तरफ आया। पास आते उस व्यक्ति से टंटिया बोला, क्या हुआ नहाल, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? उस व्यक्ति ने एक सांस ली और बोला, टंटिया, सरदार पाटिल के साथ मिलकर गांव वालों ने यशोदा को पकड़ लिया है और पंचायत बैठाई है। कहते हैं तेरा और यशोदा का प्रेम संबंध है। सरपंच जी ने तुझे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया है, तू अभी चल। अंग्रेजी से ना चमका, अंग्रेजी से ना चमका, याद करा पल मया धमका, याद करा पल मया धमका। अरे खुल्लो गे जेल रे बाप थारो टंकियो यो जेल रे वो बाप थारो टंकियो यो जेल रे वो बाप थारो टंकियो यो जेल रे बाप थारो टंकियो यो जेल रे बाप